फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीएनसी डीएनई प्रोसीजर्स के बाद में कितना रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ये प्रोसीजर होना है तो कितने दिन की छुट्टी लेनी चाहिए और क्या क्या काम है जो आप कर सकते हैं और क्या क्या काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब कई बार नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, जिससे और मोटिवेशन मिलता है आने वाली और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या काम है जो हम डीएनसी के बाद कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, कितने दिन का रेस्ट करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम वर्किंग हैं और हमें छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन भी आ रहे थे, और दूसरी बात ये कि एक बहुत ही स्वाभाविक सा, एक बहुत ही नेचुरल सा क्वेश्चन है जो किसी के भी मन में आएगा कि भाई मुझे एक प्रोसीजर के लिए जाना है, मैं वर्किंग हूं तो कितने दिन की छुट्टी लूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी ये डीएनसी प्रोसीजर होता है या फिर आपका डीएनई हुआ है, किसी भी तरह का आपका मिसकैरेज हो गया था, एबॉर्ट हो गया था बेबी, या कुछ भी आपका अंदर सर्जिकली क्लीन किया गया है, बच्चेदानी की सफाई की गई है, उसके बाद में आपको एक से दो दिन का रेस्ट एनफ है, मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन जब आपको डिस्चार्ज करते हैं आपके डॉक्टर्स 3 घंटे के बाद, तो वो ये देखते हैं कि आप सही कंडीशन में हैं या नहीं, और तभी आपको डिस्चार्ज दिया जाता है। तो उसके बाद आप इतनी कंडीशन में होते हैं कि आप 1 से 2 दिन का रेस्ट लें तो उसके बाद आप इजिली अपने वर्क पर जा सकते हैं। लेकिन अब कुछ जरूरी बातें जो आपके जानना बहुत जरूरी है। क्या आप ड्राइविंग कर सकती हैं? तो देखिए, जिस दिन आपका प्रोसीजर हुआ है उस दिन आप बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकती हैं। रीजन बीइंग कि आपको एनेस्थीसिया दिया गया था, थोड़ा आपको एक दो दिन ऐसा सर में भारीपन भी फील हो सकता है उसके बाद, तो आपको बिल्कुल ड्राइव नहीं करना चाहिए, स्पेशली उस दिन तो बिल्कुल नहीं जिस दिन आपका प्रोसीजर हुआ है। आप अपने साथ किसी को लेके जाइए जो आपको ड्राइव करके घर तक ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका घर ऊपर है तो क्या आज ही आपका प्रोसीजर हुआ है, 3 घंटे बाद आप डिस्चार्ज हो गए, घर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है तो क्या मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सीढ़ियां चल सकती हैं, बिल्कुल आराम से धीरे से आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा सकती हैं, नीचे उतर कर आ सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, क्या मैं घर के काम कर सकती हूँ? तो देखिए, मेरी एडवाइस ये है कि आप 1 से 2 दिन तो अपनी बॉडी को दे ही सकती हैं, 1 से 2 दिन का रेस्ट आप कर सकती हैं, वो आपको ज़रूरी भी है। घर के कामों से अगर आपका मन है कि आप क्लीनिंग, सफाई, झाड़ू पोछा, अपना खाना बनाना, रूटीन, कपड़े धोना, इस तरह के कामों से मतलब है, तो आप ये काम बिल्कुल कर सकती हैं। ये काम आप नेक्स्ट डे से भी कर सकती हैं, जिस दिन डीएनसी हुआ है उसके अगले दिन से भी, पर मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप 1 से 2 दिन का रेस्ट जरूर लीजिए, 1 दिन तो जरूर रेस्ट लीजिए, और उसके बाद से आप अपने ये रूटीन के काम आराम से कर सकती हैं। नेक्स्ट, कितने दिन की छुट्टियां लेनी चाहिए? तो देखिए, 1 से 2 दिन में आपको आराम हो जाता है, मैक्सिमम टाइम 1 डे लीव एनफ रहती है, आप चाहती हैं तो 2 दिन ले सकती हैं। अगर आपके पास बहुत छुट्टियां हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वीकनेस है, तो आप छुट्टियां उसके अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं, बट आइडियली 1 से 2 दिन मोर देन एनफ होते हैं छुट्टियां अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा क्या मैं एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, क्या मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, क्या मैं वेट ट्रेनिंग कर सकती हूँ? ये जो चीजें हैं इनके रिगार्डिंग मुझे कुछ बातें आपको बोलनी है कि आप ये चीजें कर सकती हैं, पर मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, आपको जिमिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको स्विमिंग करना है, तो आप मिनिमम 7 डेज, जब तक आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, आप 7 डेज 1 हफ्ते का रेस्ट कीजिए। 1 हफ्ते आप ये हर चीजें मत कीजिए, और उसके बाद आप नॉर्मली चीजें कर सकती हैं, क्योंकि बॉडी है उसके ऊपर एक प्रोसीजर हुआ है, उसको हीलिंग के लिए टाइम दीजिए। बहुत भारी सामान उठाना, बहुत ज्यादा वेट उठाकर वेट ट्रेनिंग करना, घंटों ट्रेडमिल पे रनिंग करना, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। अगर आप चाहें तो 2 हफ्ते भी अवॉइड कर सकती हैं, बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना ही है, तो 1 हफ्ते तो आपको डेफिनेटली इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज्यादा जान लगती है, उनको आप 1 हफ्ते के लिए जरूर अवॉइड कीजिए। नॉर्मल जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, आपका जो वर्क है, नॉर्मल वर्क है, आप वो कर सकती हैं, बट मान लीजिए कि आप जिम इंस्ट्रक्टर ही हैं, आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, आप डांस टीचर हैं,
तो मेरी आपको जरूरी एडवाइस है कि आप 7 डेज थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए और उसके बाद ही इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिसमें इंटेंस ट्रेनिंग इंटेंस स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वो कीजिए, क्योंकि प्रोसीजर हुआ है तो थोड़ी वीकनेस बॉडी में रहती है। उस एक हफ्ते अच्छी डाइट लीजिए, मेरे चैनल पे वीडियो भी है इससे रिलेटेड कि आपको क्या डाइट खानी चाहिए, इनफैक्ट डीएनसी के पहले क्या खाना चाहिए, डीएनसी के बाद में क्या खाना चाहिए, वो भी वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन आता है जब आप किसी का चैनल खोलते हैं तो उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है जिसमें फीमेल हेल्थ प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो मैंने डीएनसी पे बनाई है। इनफैक्ट वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली किसी के दिमाग में आते हैं और जिनका आंसर्स नहीं मिल पाते, तो आप जरूर देखिएगा, आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट चीज, क्या मैं नॉर्मली ड्राइविंग कर सकती हूँ? तो जी हाँ, आप 2 दिन बाद 1 दिन बाद इजीली आप ड्राइविंग कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिस दिन आपका प्रोसीजर हुआ है उस दिन आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। क्या मैं स्किपिंग कर सकती हूँ, रस्सा कूद सकती हूँ? तो आप खुद सोचिए कि आपका एक प्रोसीजर हुआ है जिसमें बच्चेदानी की सफाई हुई है, तो आपको इमीडिएटली रस्सा क्यों कूदना है? आप 7 डेज 10 डेज का रेस्ट दीजिए अपनी बॉडी को और उसके बाद आप इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। वॉकिंग अगर आप करना चाहती हैं तो आप डेफिनेटली कर सकती हैं, बट नॉर्मल धीरे से आराम से वॉकिंग कीजिए और बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स को कवर मत कीजिए, एटलीस्ट फॉर 1 वीक। 1 वीक के बाद आप नॉर्मली जैसे अपना वॉक करती हैं, जैसे अपना डाइट फॉलो करती हैं, जो भी आप करती हैं आप वो चीज़ें कर सकती हैं। इवन अगर इंटेंस वर्कआउट भी करना चाहती हैं तो वो भी आप 1 वीक के बाद कर सकती हैं, बट 1 वीक का रेस्ट आप ज़रूर दीजिए। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।